फ्रेश किचन और आज हम लोग बना रहे हैं कोरिएंडर का चटनी। इसके लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो हमें चाहिए कोरिएंडर चटनी या कोतम्बरी चटनी, जो भी बोल सकते, धनिया चटनी। इसके लिए हमें चाहिए कोरिएंडर, ये हम लोगों ने इतना लिया है, ठीक है, ये इतना बाउल में। और हमें टेस्ट के अनुसार के लिए नमक चाहिए और हमें चाहिए चिल्ली, रोस्टेड चिल्ली। ये दो है ना, ये दो लिया हम लोगों ने, थोड़ा बना रहे हैं हम लोग चटनी, इसके लिए ये दो कलर के लिए और बाकी ये स्पाइसीनेस के लिए। और हमें चाहिए गुड जागरी चाहिए, ये हम लोगों ने लिया है कम से कम 3-4 टेबल स्पून के हिसाब से, अगर आप ले सकते हो तो ये भी ले सकते हो इतना। और ये लिया है टैमरिंड, इतना 2 इंच, और इसको हम लोगों ने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। और इतना हमें इंग्रेडिएंट्स है, अभी हमें ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी में डाल के मिक्स करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राइंड कैसे करना है। हम लोगों ने पहले डाला है ऑफकोर्स कोरिएंडर, पूरा भर दिया। इसके बाद स्वाद अनुसार के लिए नमक और ये रोस्टेड चिलीज पूरा, तो इतना हम लोगों ने अभी डाला हुआ है। ये जो है ना जैगरी है ना, ये इसका पेस्ट होने के बाद लास्ट में इसको डाल के पीसना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेस्ट हो गया, तो अभी हम फाइनल इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ये जैगरी अभी इसमें डालना है। पहले नहीं डालना था, ये ऑलवेज ये पहली बार पेस्ट होने के बाद जैगरी डाल के अभी इसको घुमाना है। चटनी रेडी हो गया और मैं अभी सर्विंग बोल में डाल रहा हूँ। अब इसका फाइनल स्टेप है, तड़का डालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है नारियल का तेल। हम लोग मैंगलोर से, और मैंगलोर में हम सब लोग, साउथ इंडिया में तो सारा लोग नारियल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए। अगर नारियल का तेल नहीं मिलता है तो आप कोई भी और तेल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये गर्म हो रहा है, इसमें हमें डालना है मस्टर्ड सीड्स, वो येलो और ब्लैक मिक्स हम लोग करते हैं। कोई भी ब्लैक है तो ब्लैक ले सकते हो, नहीं तो येलो ले सकते हो। थोड़ा गर्म होने दो, गर्म होने के बाद इतना 1 टेबल स्पून या तो 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल दो और वो पटपट पटपट हो जाएगा। उसके बाद चटनी रेडी हो गया। ये आप लोग अगर फ्रिज में रख के खाना चाहते हो तो एक हफ्ता तक फ्रिज में रख के खा सकते हो। अगर आप बाहर रख के खाना चाहते हो 1 या 1.5 दिन या 2 दिन मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ये आप लोग डोसा, राइस, नहीं तो चपाती, किसी के साथ भी साइड डिश के दौरान खा सकते हो, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रॉक मलेस किचन, और पहले प्लीज डू ट्राई। और अगर अच्छा है लगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी डाल दो, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका कोई डिश है तो मुझे प्लीज कमेंट के तौर पे डाल दो, मैं वो बना के आपको आपके वर्षन के हिसाब से मैं डाल सकता हूँ। तो अंटिल देन सी यू, बाय बाय, एंजॉय कोरिएंडर चटनी, बाय बाय।